मुद्मंगल मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज अभी कुछ संतों के साथ कई पंथ की जितनी छावनियां लगी है वहां के कुछ प्रमुख छावनियों में वहां के गुरुजनों के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने गया था, इसलिए आपके बीच आने में थोड़ा विलंब हुआ। संतों के दर्शन और उनका आशीर्वाद एक कल्याण मार्ग के लिए एक संबल है। किसी भी साधक को सहारा कहाँ मिलेगा? गुरुजनों से ही मिलेगा। गुरुजी कहीं सुनते थे किसी संत के बारे में, समय रहता था तो जरूर चले जाते थे। हम सबको भी जब अवसर मिले तो संतों के दर्शन करना चाहिए और उनके अमृत वचन का पान करना चाहिए। संत किसी भी मत पंथ परंपरा के हों, किसी मठ के हों, समान रूप से आदरणीय है, पूजनीय है। संतत किसी मठ में नहीं है, संतत मन की शांति में है। जिसका मन शांत वह संत, काम क्रोध मद लोभ को साधन से करी अंत, हित उपदेश बतावे ही ताका नाम संत। ताको कहिए संत कह सकते हैं। विवेक वैराग्य साधना द्वारा जिन्होंने अपने मन के विकारों को, काम क्रोध आदि को निर्मूल कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और जो लोगों को कल्याण का मार्ग बताते हैं, शांति का मार्ग बताते हैं, वे संत है। संत कौन? गुरु जी ने तो लिखा है जो दुखी नहीं होता वे संत। जिनका दुख मिट गया हो वे संत। जो स्वयं दुखी हो वे हमें दुखों से मुक्त होने का रास्ता कैसे बता सकते हैं, और बताएं भी तो प्रभाव क्या पड़ेगा? ये लगेगा कि ये बातें केवल कहने और सुनने के लिए है, लेकिन जो दुख मुक्त हैं वे जब ये कहते हैं कि इसी जीवन में ऐसा भी अवसर आता है कि मन में लेश मात्र दुख का अनुभव नहीं होता, सफलता किसमें है? भौतिक उपलब्धि में जीवन की सफलता नहीं, जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। जो कुछ हम करते हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? दुखहीन मन, दुखहीन मन के समान कोई और उपलब्धि नहीं है, कोई और ऊंचाई नहीं है। समझना यह होगा कि दुख का कारण क्या है, उसका अंत कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं महाराज बहुत दुखी हूं, क्यों दुखी हो? कहते हैं मालूम नहीं।
हर आदमी दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन दुख का कारण क्या है मालूम नहीं। दुख का अंत न काहू पाया, दुख है जीवन में लेकिन दुख का रहस्य, दुख का भेद कोई जान नहीं पाता है। दुख कहीं बाहर नहीं है, दुख का कारण भी बाहर नहीं है, दुख का कारण है भीतर। और भीतर जितनी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, उतना दुख। हमारी इच्छा और कामना को छोड़कर दुख का और कोई कारण नहीं है। यह भी कहा जाता है दुख का कारण विकार है। तो इच्छा और विकार, इच्छा और कामना छोड़कर के विकार और क्या है? हमारी इच्छा जब पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। जिन जिन लोगों से हमारी इच्छा की पूर्ति होती जाती है उनके प्रति मोह होता है, जिन जिन लोगों से इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ती है उनके प्रति बैर होता है। एक इच्छा, उस इच्छा को कामना कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, मूल में वही है। इच्छा पूरी हुई लोभ बढ़ा, नहीं पूरी हुई क्रोध बढ़ा, जिनके द्वारा इच्छा पूरी हुई उनके प्रति मोह बढ़ा, इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ी उनके प्रति बैर बढ़ा, राग और द्वेष सिलसिला शुरू हो गया। एक इच्छा को, कामना को मिटा दें तो दुख कहीं नहीं रह गया। और जिन्होंने अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली वे संत। इसी सतगुरु कबीर ने कहा है निष्काम होना। कहे ही कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। जीव अमृत है, अमृत अर्थ जो कभी ना मरता हो। जीव स्वरूपावता अमृत स्वरूप है, कभी मरता नहीं है वह। लेकिन इसका व्यवहारिक अर्थ क्या होगा? निष्कामता। निष्काम हो जाए दुख का अनुभव ही नहीं होगा, कोई बंधन रहेगा ही नहीं, गलतियां होंगी ही नहीं। निष्काम होने के लिए काम करना होगा, साधना करनी होगी, सेवा सबकी करें। ऐसा नहीं है कि निष्काम जो हो जाए सेवा नहीं करेगा, वो सेवा बहुत बढ़िया करेगा। इसलिए गीताकार ने भी कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। काम करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, फल की इच्छा ना करो। तो कोई कह सकता है फल की इच्छा ही ना हो तो काम कोई कैसे करेगा? फल की इच्छा रख करके ही काम होता है। जो काम हम और आप कर रहे हैं उसका फल नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है। जो भी काम करेंगे फल आएगा, लेकिन हमारा सारा ध्यान फल पर ही है। ये काम कर रहा हूं अमुक फल मिलेगा, अमुक फल में, फल में मन डूबा हुआ है तो काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। काम बढ़िया नहीं होगा तो फल बढ़िया नहीं आएगा, परिणाम बढ़िया नहीं आएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। काम पूरा करो, फल के बारे में सोचो ही मत। समय आने पर फल आएगा, जो आएगा बस स्वीकार है। सेवा करें आप, लेकिन क्यों सेवा इसलिए ना करें कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं बदले में वह भी मेरी सेवा करेगा। और जहां ये सोचा कि बदले में मेरी सेवा करेगा वहां आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। क्यों?
क्योंकि सामने वाला सेवा न करे तो क्या करोगे? सेवा करे तो प्रश्न होगा सेवा क्यों करें? कर्तव्य समझकर। हमारे जीवन निर्वाह में कितने लोगों का योगदान है, असंख्य लोगों का। जो कपड़ा हम पहने हैं उस कपड़े को हमने नहीं बनाया है, जिस कपास से कपड़ा बना है उस कपास को हमने पैदा नहीं किया। किस किसान ने कपास बोया, किन किन मजदूरों ने खेत में काम किया, किन मजदूरों ने उस कपास को चुना, किन लोगों ने कपास से सूत काटा, किस किन लोगों ने कपड़ा बुना, किस व्यापारी ने कपड़ा खरीदा और दुकान तक लाया फिर हमारे पास आया। एक कपड़े के पीछे असंख्य लोगों का हाथ। जो भोजन हमने खाया वो गेहूं हमने पैदा नहीं किया, चावल हमने पैदा नहीं किया, पैदा करने वाले किसान। लेकिन किसान जो गेहूं और चावल पैदा किया तो उस खेत में किसान ने जो खाद डाला, बीज डाला, दवाई डाला, वो खाद बनाने वाले कौन कौन हम नाम भी नहीं जानते। दवाई बनाने वाला कौन, किस फैक्ट्री में दवाई बनी उसका हमें नाम भी नहीं मालूम। लेकिन किसान ने कपास, किसान ने अन्न पैदा किया, किन किन मजदूरों ने खेत में जाकर के धान और गेहूं की फसल काटी, कितने उसकी मिंजाई की, फिर किसान कहाँ ले जाकर के बेचा, कितने हम तक पहुंचाया, कितने लोगों का हाथ है। जीवन निर्वाह की एक एक वस्तुओं पर हम देखें तो असंख्य लोग, असंख्य लोगों का सहयोग। तो असंख्य लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है, हमारा कर्तव्य होता है हम भी समाज की सेवा में कुछ कर दें। कर्तव्य समझकर सेवा करें, कुछ चाहे ना तो फल क्या मिलेगा? मन की प्रसन्नता, शांत। घर में 10 लोग हैं, 9 लोग काम कर रहे हैं, आप अकेले चुपचाप बैठ करके तो देखें, मन हमेशा भयभीत रहेगा कि कोई टोके ना, कोई रोके ना। सुख से प्रसन्नता से आप बैठ नहीं सकेंगे, भयभीत रहेगा मन। अब सब लोग काम कर रहे हैं, आप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाएं, जितनी शक्ति आपकी है उतना ही काम करें, निर्भय रहेगा मन, आश्वस्त रहेगा मन। ये तो रहेगा कि कोई मुझे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं। तो जैसी शक्ति योग्यता वैसा काम करें, वो भी कर्तव्य समझकर। कोई भी काम करें कर्तव्य समझकर, मन की शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए करें, ये सबसे बड़ा फल होगा। और इसी फल का अर्थ होगा दुख की निवृत्ति। आपने सोचा कि इसके लिए मैं ऐसा करता हूं तो मेरे लिए ऐसा करें? अक्सर माता पिता शिकायत होती, शिकायत उनकी गलत नहीं है, साहब हमने बच्चों को लिखाया, पढ़ाया, पाला पोसा, सब कुछ किया, आज बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, बात नहीं मानते। ठीक है, वो बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, तो उसको लेकर के शिकायत में आप न पड़े रहें। माता पिता का बच्चों पर बहुत उपकार है, बहुत उपकार, उस उपकार का बदला चुकाना बड़ा मुश्किल है संतान के लिए। लेकिन आपने वहां से कामना रखी सेवा की, हम इसके ऐसा कर रहे हैं तो बुढ़ापा हमारा ऐसा किए, तो वहां दुख हो जाए। कर्तव्य समझकर सेवा करो। अरे आप अपने को संभाल नहीं पाए, संयम से रहते, साधना से रहते, भजन भक्ति करते, संतान ही नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, आप अपने को संभाल नहीं पाए, उचित संतान पैदा हो गई, पैदा हो गई आपके बीच में, तो आपका कर्तव्य पालन पोषण करना। कर्तव्य समझकर संतान का पालन पोषण करो, लिखाओ पढ़ाओ, आपको आपके माता पिता ने लिखाया पढ़ाया पाला पोसा, आप अपने संतान को कर दो, चाहो मत कुछ, जहां चाहेंगे वही दुख होगा। समझ ले, संतान हमारे बीच में पैदा हुई, पाल पोस दो, लिखा पढ़ा दो और निष्काम रहो, सेवा करें आपकी संतान, आपके बेटे बहुत सेवा करें, धन्यवाद दे दो, नहीं सेवा करते तो भी धन्यवाद दे दो। और जहां शिकायत किए
ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, बस वो भले प्रसन्नता से जिए, आप प्रसन्नता से नहीं जी पाओगे। हाँ, बच्चों को भी चाहिए, यदि अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, बुढ़ापे को सुधारना चाहते हैं, तो अपने माता पिता की सेवा करें। नमक हमारा बच्चे माता पिता की सेवा न करना नमक हरामी पना है, तो वो जाने उनका। तो कहीं भी कामना रख करके सेवा करेंगे तो दुख होगा, निष्काम होकर के सेवा करें। गुरु जी उदाहरण दिया करते थे, जैसे धाय निर्मोह होकर के बच्चे को पालती पोसती, बड़े घरानों में बच्चा पैदा होता है तो उसकी सेवा के लिए, उसको पालने पोसने के लिए नौकरानी रखी जाती है, जिसे धाय कहते हैं। नौकरानी बच्चे को पालती पोती, सब कुछ काम करती, समय अपना दूध भी पिला देती है, लेकिन मानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, निर्मोह रहती है। ऐसे ही धाय के समान सेवा करें, तो सेवा मन की प्रसन्नता और शांति के लिए करें। कौन दुख रहेगा, कौन पीड़ा रहेगी? कामना कर लिए सेवा थोड़ी करते हैं, कामना बहुत ज्यादा करते हैं, दुख उस लिए होता है। बात यहां से चली थी, जितनी हमारे मन में कामना होगी उतना हम दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, इसलिए निष्काम मन। तो जिसका मन निष्काम है, दुखीहीन है, वह संत है। और ऐसे संतों के दर्शन से, उनके साहचर्य से, उनके उपदेश से हमें भी जीवन को निष्काम बनाने की प्रेरणा मिलती है। संतों को छोड़ दें तो सही रास्ता बताने वाला, जीवन जीने की सही सीख बताने वाला कौन है? संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। औरन से यह हो नहीं जो भ्रम भूल भगाए, संत ही जीव के सहायक हैं, संत ही जीव को पार लगाने वाले हैं। दुनिया में और किसी से काम नहीं हो सकता जो हमारी भूलों को, हमारे भ्रम को मिटा करके हमें सही रास्ता बता दे। इसलिए जब भी अवसर मिले संतों के दर्शन के लिए जाएं, किसी भी मत पंथ के हो। ये मत सोचें कि हम तो कैरपंथी हैं, हम तो अमुक पंथी हैं, हमारे संत मत के संत आएंगे तो जाएंगे। कोई संत किसी मत में दीक्षित हो सकता है, किसी प्रकार का उनका वेश हो सकता है, लेकिन संतत्व मत और पंथ की चीज नहीं है, जीवन की चीज है। उस संतत्व को अपने जीवन में उतारना है। क्यों? वकील के पास जाते हैं वकालत सीखने के लिए, डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टरी सीखने के, दवाई के लिए, ऐसे और हैं। संत के पास क्यों जाए? संतत्व की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, दुखहीन जीवन जीने के लिए। और जीवन से दुख मिट गया फिर और क्या पाना रह गया? सब समाप्त। इसलिए संत सर्वोपरि पूजनीय है। उन्हें संतों में से जो किसी को दीक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं और शिष्यों का भार लेते हैं, उनको ही हम गुरु या सदगुरु कह देते हैं। सदगुरु श्री रामराज साहब ने पंग्रंथी में कहा है, एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को फंद, अशरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। गुरु और साधु दोनों के एक रूप हैं। साधु और गुरु को छोड़कर अन्यत्र जो भी हैं सब काल के फंदे भटकाने वाले हैं। साधु और गुरु में कुछ अंतर है तो क्या है? अशरण शरण दयाल गुरु। गुरु अशरण लोगों, जिनको कहीं शरण नहीं है, जो भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी शरण में लगाते हैं, सही रास्ता बताते हैं। साधु स्वच्छंद होते हैं, भार नहीं लेते, वे दीक्षा नहीं देते। लेकिन साधु और गुरु एक समान है,
जो हमारे लिए गुरु, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, उन्हें अन्य लोग संत कहते हैं। हमारे गुरु को सब लोग तो गुरु नहीं कहते हैं, वे संत कहते हैं। और जिन्हें दूसरे लोग गुरु कहते हैं उन्हें हम संत कहते हैं। हम इतने कहते वो हमारे गुरु हैं। हमारे लिए जो गुरु वे किसी अन्य के लिए संत, किसी का जो गुरु वो हमारे लिए संत। तो संत और गुरु में फर्क कहां रह गया? संत और गुरु में फर्क यदि हम कहते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने गुरु को और गुरु के विचार को ठीक से समझा नहीं है। और सच्चे गुरु ये कहते भी नहीं है कि बेटा मुझे मानना या मेरे मत के जो मेरे जो शिष्य हैं उनको मानना, अन्य को न मानना। ऐसा जो कह रहे हैं समझ लो जरूर कहीं ना कहीं उनके गुरुवाई में कुछ खोट है। सच्चे गुरु कभी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे दीक्षा ले लिए, अब मेरी पूजा करना या हमारे आश्रम साधु पूजा करना, भिन्न आश्रम वालों भिन्न मत वालों को पूजा मत करना। वो भटका हुआ गुरु है। निष्पक्ष रहे, सब तरफ निष्पक्ष। सदगुरु कबीर ने कहा है निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान। निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान, पक्ष और पक्ष में पढ़कर ये हमारा मत दूसरे का मत, हमारी किताब दूसरी किताब, हमारे गुरु ये दूसरे के गुरु, इस प्रकार पक्षपात में पढ़ करके सारा संसार भूला हुआ है। निष्पक्ष हो के हरि भजे, जो स्वतः से निष्पक्ष होकर न्यूट्रल बनकर हरि का भजन करता है, आत्मचिंतन करता है, साधना करता है, सतमार्ग पर चलता है, सोई संत सुजान, वही ज्ञानी समझदार संत है। तो ऐसे जितने भी संत हैं जो ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य साधना की बात बता रहे हैं, वे सभी संत समान पूजनीय हैं। सबके लिए श्रद्धा रखें, आदर भाव रखें और उनके जीवन से सद्गुणों की सदाचरण की के त्याग की भक्ति की प्रेरणा लेकर के हम भी उस दिशा में बढ़ें, ताकि इसी जीवन में पूरी दुख मुक्ति का, प्रसन्नता का, शांति का अनुभव कर सकें। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।